64वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर हंगामा, सैकड़ों छात्र छात्राएं उतरे सड़क पर। पटना के तमाम कोचिंग संस्थानों को करा रहे हैं बंद। बीपीएससी परीक्षा में धांधली की जांच की कर रहे हैं मांग। बीपीएससी 15 क्वेश्चन का गलत आंसर जारी किया है, 3 क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया, टोटल 18 क्वेश्चन है जिस पर हम लोग का आपत्ति है, लेकिन बीपीएससी अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हम लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग रोड शो करेंगे, सारे कोचिंग संस्थान पटना का बंद रहेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी बंद है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि रिजल्ट में सुधार करके फिर से रिजल्ट को जारी किया जाए। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम गौरव सिंह है। पटना साहिब लोकसभा के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब में कई मंदिरों में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा, जल्ला बाला हनुमान जी शक्तिपीठ, बड़ी पटन देवी शीतला मंदिर, अगम कुआं और चित्रगुप्त मंदिर में जाकर पूजा की, साथ ही गुरु घर में हाजिरी लगाई। पूजा करने के दौरान रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह चुनाव देश का चुनाव है, इसलिए मुद्दा देश है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश मजबूत होगा। तो मैं यहाँ एक भक्त के रूप में आया, पहले भी आता हूँ, आज भी आया हूँ, कल भी आऊँगा। जब केंद्रीय मंत्री नहीं था तब आता था, केंद्रीय मंत्री तब आता हूँ। हाँ, लेकिन आज जब हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बाकी पार्टी के लीडरशिप ने मुझे पटना साहिब का उम्मीदवार बनाया है, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले अपनी यात्रा पटना साहिब से शुरू करूँ। देख करके गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थान है, भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। आज जो मेरा यहाँ पूरे समाज के लोगों ने स्नेह दिया है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। यहाँ से मैं अब जल्ला में हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करूँगा, फिर बड़ी पटन देवी, फिर आपके नौजर घाट, फिर आपके कदम कुआं और बाकी सारे जो प्रमुख स्थान है वहाँ भी जाऊँगा। लेकिन आज यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं सबों को शुभकामना देता हूँ, भारत जीते, भारत आगे बढ़े और गुरुओं का आशीर्वाद साथ। भाकपा माले की पीसी हुई जिसमें राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा की। किए गए घोषणा के अनुसार पार्टी बिहार में 4 और झारखंड में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी। जाने किस सीट पर कौन उम्मीदवार है? बिहार में 4 सीट पर उम्मीदवार है, आरा से राजू यादव, जहानाबाद से कुंती देवी, सिवान से अमरनाथ यादव, काराकाट से राजा राम। झारखंड में 2 सीटों पर उम्मीदवार है, पलामू से पुष्पा, कोडरमा से राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया। और उम्मीदवारों के नाम की सूची, इस बार हम लोगों ने बहुत कम सीटों पर पूरे देश में लड़ने का फैसला किया। कुल मिलाकर के देश में हम 22 सीटों पर चुनाव लड़े। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में अकेले बिहार से हमारे 23 उम्मीदवार, और इस बार पूरे देश में हमने सिर्फ 22 उम्मीदवारों का फैसला किया। के पीछे हमारी समझ यही है कि इस बार का जो चुनाव है वो पूरे देश के लिए बेहद निर्णायक एक चुनाव है। हिटलर शाही बनाम लोकशाही का चुनाव है, और हम चाहते हैं कि जो एनडीए के खिलाफ जो मत है उसमें कम से कम विभाजन हो, और एक एक वोट के सहारे हर एक सीट पर एनडीए को करारी शिकस्त दी जा सके। इसी मकसद से हमने सिर्फ 22 उम्मीदवार की सूची बनाई है, जिसमें बिहार से हमारे सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब से 3-3 उम्मीदवार हैं, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रा, बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों से, और आंध्रा, इन राज्यों से 2-2 करके उम्मीदवार हैं, और उत्तराखंड और पांडिचेरी यहाँ 1-1 उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के 22 उम्मीदवारों की सूची है, इनमें 4 महिला उम्मीदवार हैं, और बिहार में जहानाबाद से कॉमरेड कुंती, झारखंड के पलामू से कॉमरेड सुषमा,
उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से कमरेड जीरा भारती और ओडिशा में पूरी से संबित पात्रा के खिलाफ कमरेड बंदा की भी शेखी चार इसमें आपको आप देखेंगे कि महिला उम्मीदवार हैं। ओडिशा से ही कोरापुट सीट पर जहां बहुत लंबे समय से आदिवासियों के बीच में जमीन के सवाल पर हमारी पार्टी लड़ रही है, वहां कॉमरेड दामोदर दाम बिल्कुल डरी हुई। जो लोग पिछले 5 साल इस सरकार ने लोगों को डराने का काम किया, देश के दलितों को, छात्र माध्यमानों को, किसानों को, आम लोगों को, कभी नोटबंदी के जरिए, कभी जीएसटी के जरिए, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए, कभी राजद्रोह कानून के जरिए, तो जो लोग एक तरह से पूरे देश में पिछले 5 साल यह सरकार एक तरीके से डर की सरकार, पूरे देश में डर का जश्न मनाया जा रहा, आज वो सरकार जनता के आंदोलनों से और जो बढ़ता हुआ विरोध है और हार की जो पूरी संभावना है, घटना है, उससे इस कदर डरी हुई है कि आप देखेंगे कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रोज अपने नारे बदल रहे हैं। कभी इन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुमकिन है का मतलब ये निकल गया कि हाँ रफाल का इतना बड़ा घोटाला है, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो नौजवान कह रहे हैं कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, रुपये और डॉलर के मुकाबले रुपये कहाँ गिर गई है, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी है तो मुमकिन। उनको पता चल गया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा फेंक दिया। अब ये पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कल हमने 2 दिन पहले मोदी जी को कहते हुए सुना, वो उनको शिकायत थी कि मैं अभिनंदन क्यों मुद्दा हूँ, अभिनंदन कब लौटेगा, क्यों कैसे लौटेगा, क्यों नहीं लौट रहा है, अभिनंदन सकुशल देश में लौट कर आए। अब इसको मोदी जी में घबराहट है, वो कह रहे हैं कि ये क्यों मुद्दा बना देश में, मुद्दा ये क्यों नहीं बना कि हमारे लोगों ने F-16 मार दिया। जबकि आज खबर जो आ रही है, जो बहुत ही चिंताजनक खबर है, कि बड़गांव में जो कश्मीर में उसका महागठबंधन नहीं बना, क्योंकि वैसा महागठबंधन तभी बन सकता था जब NDA के खिलाफ जितनी सशक्त राजनीतिक धारा इस देश में है और जिन धाराओं की बहुत दुखद उपस्थिति गांव से खेत खलिहानों से लेकर के सदन तक है, तो सभी धाराओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा, सभी धाराओं के बीच में आपस में बातचीत करके एक खाका बनता गठबंधन का, तब वो महागठबंधन व्यापक और कारगर बन सकता था। तो ये तो अफसोस की बात है कि वैसा गठबंधन नहीं बना। लेकिन फिर भी 2 बातें हैं, बिहार में एक नई बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भाकपा माले के लिए एक सद्भावना का प्रदर्शन किया, हमने भी उसका स्वागत किया है। दूसरा, हम ये कहेंगे कि गठबंधन के स्तर पर जो बात नहीं बन पाती, दलों के बीच में और नेताओं के बीच में जो बात नहीं बन पाती, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता के स्तर पर, मतदाताओं के स्तर पर, इस देश में जो असली गठबंधन किसानों के बीच में बना हुआ है, नौजवानों के बीच में, मजदूरों के बीच में बना हुआ है, महिलाओं के बीच में बना हुआ है, वो गठबंधन कारगर होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट। रविशंकर प्रसाद के द्वारा राहुल गांधी चुनाव परिवार को चुनावी हिंदू के दिए बयान पर कहा, यह लोग चुनावी मुद्दों की बात नहीं कर रही, संविधान को बचाना यह मुद्दा होना चाहिए। लालू परिवार में हो रहे विवाद पर कहा, यह चुनाव देश और लोकतंत्र को बचाने वाले लालू प्रसाद यादव को न्याय दिलाने के लिए चुनाव है, यह परिवार के अंदरूनी विवाद को लेकर चुनाव नहीं है। सुशील मोदी के बयान की, लालू परिवार में आपसी एकता नहीं है तो देश में क्या एकता रखेंगे, जिस पर तेजस्वी ने कहा, NDA बचाकर क्यों नहीं रख पाए सुशील मोदी, क्यों छोड़कर चले गए NDA को, यह सृजन 4 लोग नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। कल रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांधी परिवार को कहते हैं कि हिंदू वो नहीं है, चुनावी हिंदू है, वोट के समय मंदिर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। पर मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, रोजगारी, संविधान को बचाना, देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाना, भाईचारा को कायम रखना, ये मुद्दा है। असली गरीबी दूर करना, इससे आपके जीवन में क्या बेहतर होगा, कुछ बेहतर होने जा रहा है तो आप बताओ। सर, RJD पूरी तरह से बिखर गई है, तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि सारण सीट से वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय,
देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि ये जो चुनाव जो होने जा रहा है, देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है, ये कोई परिवार को अंतरूनी क्या बात हो रही नहीं आ रही है उसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है देश का चुनाव है, हम लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए। क्या स्वरूप था इंडिया का, कितने अलायंस पार्टनर एनडीए में से निकले हैं, तो ये लोग सृजन छोड़ लो पाठ ना पढ़ा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।